आए दिन अक्सर चोरों द्वारा बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आते ही रहते हैं, मगर किसी बस को चुरा लेने का मामला शायद ही इससे पहले किसी ने सुना हो। जी हाँ, इन दिनों चोरों द्वारा रोडवेज की बस को चोरी कर लेने का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। जानकारी मुताबिक हरियाणा रोडवेज की बस अमृतसर पहुंची और बीती शाम उस बस को हरियाणा के लिए वापसी में निकलना था, मगर कुछ छात्र चोरों ने बस स्टैंड पर कड़ी इस बस को चोरी कर लिया। बाद में पंजाब रोडवेज के अधिकारियों व पंजाब पुलिस की मदद से इस बस को अमृतसर में ही बरामद कर लिया गया। बस चालक के मुताबिक इस बस से दो बैटरी और स्टेफनी गायब हैं। वही पुलिस अधिकारियों ने उनको लिखती दरखास्त देने के बाद उसके आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कही है। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत हूँ। गाड़ी कल नार रोड से अमृतसर के लिए चली थी, इसमें मेरी ड्यूटी थी। कल सुबह 7:30 बजे गाड़ी अमृतसर बस स्टैंड पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद शाम को गाड़ी को चलना 7:20, शाम को 7:20 चलती है अमृतसर से नारनौल के लिए। अब जब गाड़ी शाम को चलने के लिए आए तो गाड़ी वहीं पर नहीं थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। पंजाब रोडवेज और पंजाब पुलिस वालों ने गाड़ी की बरामदगी यहाँ करवाई है, यहाँ गाड़ी मिली है। गाड़ी से दो बैटरी चोरी है, एक स्टेपनी चोरी है। उनका कहना है कि कनेक्टर बस लेके भाग गया था। नहीं, इसमें क्या सही है जी? उनका कहना है कि कनेक्टर, जो बस का कनेक्टर था, वो बस लेके भाग गया था। नो, बस के परिचालक तो हम थे सर, चालक परिचालक और कोई था सर। पुलिस कंप्लेंट किया सर? पुलिस कंप्लेंट वहाँ यहाँ आई थी, पुलिस आई थी, वहाँ कागजी कार्रवाई कर गई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिलाया आपको? उन्होंने यही गाड़ी की बरामदगी यहाँ करवाई है, गाड़ी को ढूंढवाने में मदद की है, गाड़ी यहाँ मिल गई हमें। गाड़ी से दो बैटरी गायब है, एक स्टेपनी गायब है, वो माल चोरी हो चुका है। आप क्या समझते हैं, पुलिस की निगरानी है ये जो चोरी हो रही है? सर, ये तो पुलिस की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पंजाब बस स्टैंड, जो अमृतसर का बस स्टैंड है, वहाँ से गाड़ी चोरी है। वहाँ एक बॉडी गार्ड, वहाँ एक चौकीदार है, और उसने ही कुछ करवाया है, चौकीदार की वजह से ही हुई है, उनको सब मालूम है। जो बस स्टैंड का चौकीदार है उसने सब कुछ? हाँ, बस स्टैंड का चौकीदार है वहाँ एक। अपना नाम? सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ के रहने वाले? सर, मैं जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। नहीं, बस चोरी का तुम पूछा वा, तो मेरे को कोई दरखास्त नहीं है इस संबंध में, जो दरखास्त होती है तो मैं क्लीयर करके दस देना। सर, कुछ पता लगा कि चोरी हुई है? मैं पता नहीं लगा जी, मेरे को आवेगा, कोई दसेगा मैं आगे कि मैं आ बस आ या किस तरह वा, तो उस वे मैं क्लीयर करके तो मैं उस वे नोटिस करा लगा। नहीं, साढ़े कोई दरखास्त नहीं है। जय हिंद।